प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग 2023 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे 2023 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और देख रहे थे। तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफाइन टेंडर एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द टेंडर नोटिस। टेंडर क्या होता है और टेंडर नोटिस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो। तो देखो, टेंडर क्या है, एक ऑफर होता है। टेंडर क्या होता है, ऑफर होता है जिसमें किस तरीके का काम करना है वो मेंशन होता है, चाहे गुड्स सप्लाई हो या बेच मतलब आपका सर्विसेज सप्लाई का हो, तो स्पेसिफिक कॉस्ट के साथ जो भी वर्क एग्जीक्यूट करना है उसके से रिलेटेड जो ऑफर दिया जाता है वो कहलाता है टेंडर। टेंडर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या स्पेशली गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है विड को फॉर लार्ज प्रोजेक्ट और प्रोक्यूरमेंट्स के लिए, है ना। लार्ज प्रोजेक्ट्स या प्रोक्यूरमेंट के लिए जो है विड जो है इनवाइट किया जाता है टेंडर के जगह पे। टेंडर भी इनवाइट किए जाते हैं, विड्स भी आपको इनवाइट किए जाते हैं। तो टेंडर प्रोसेस जो होता है एक क्रूशियल होता है फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड वैल्यू ऑफ मनी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर बात किया जाए टेंडर नोटिस में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, तो सबसे पहला आता है टेंडर का टाइटल, है ना। टेंडर का जो टाइटल होता है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए जो है टेंडर निकाला जा रहा है या इनवाइट किया जा रहा है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग का टेंडर निकल रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट फॉर 5 मेगावाट, 10 मेगावाट्स, 20 मेगावाट्स, इस तरीके से जो टेंडर होता है वो आपका मेंशन होता है, मतलब उसका टाइटल। रेफरेंस नंबर, है ना, एक आइडेंटिफायर नंबर्स होता है ताकि टेंडर को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटिंग विड और अलोंग विद रिलेवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका होता है। इसके अलावा वर्क का डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज या गुड्स के बारे में एक शॉर्ट में, मतलब कंसाइज फॉर्म में जो है बताया जाता है कि क्या काम करना है या क्या सर्विसेज देनी है या क्या गुड्स हमें चाहिए, वो चीज़ें जो है मेंशन होता है, जिसमें स्कोप ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशंस जो भी होता है वो आपका लिखा रहता है। आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आउटलाइन द क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया दैट विडर्स मस्ट मीट द पार्टिसिपेट सच दैट एक्सपीरियंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस, ये सारे आपके यहाँ पे होता है। इसके अलावा आपका होता है टेंडर सबमिशंस डेडलाइंस, मतलब कब तक जो है टेंडर को सबमिट करना है, लास्ट डेट क्या होगा, मेथड ऑफ सबमिशंस क्या होंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे, विड में सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करने होंगे, टेंडर कब ओपन होगा, ये आपका जो है इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो टेंडर को इवेल्युएट किया जाएगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा, जैसे प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, विडर क्वालिफिकेशंस, ये सारे आपके इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेन समराइज किए जाते हैं, जैसे पेमेंट टर्म्स क्या होगा, टाइमलाइंस क्या होगी, पेनल्टी कितना देना होगा अगर काम नहीं कर पाएंगे, क्या वारंटीज मिलेगा, वो क्लैरिफिकेशन एंड क्वायरीज, अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी क्वायरीज है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कौन से होंगे, कहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स, साथ ही साथ आपका प्री वेडिंग मीटिंग अगर ज़रूरी है तो वो हो सकता है, लैंग्वेज एंड करेंसी क्या होगा,
है ना, कौन सा लैंग्वेज में आपको सबमिट करना है, लोकल लैंग्वेज सबमिट करना है या ऑफिशियल लैंग्वेज सबमिट करना है, ये चीज़ें जो है मेंशन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे डिस्कस करना है वेरियस रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ लोएस्ट टेंडर। जो लोएस्ट टेंडर फाइल किया जाता है, सबमिट किया जाता है, तो किस कारण बस वो टेंडर को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला टेंडर स्पेसिफिकेशंस, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसमें मिसिंग होना या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होना, जैसे सर्टिफिकेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, जिसके कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अनरियलिस्टिकली लो प्राइसिंग, मतलब इतना कम पैसा बता देना टेंडर सबमिट करने के दौरान कि भाई हम इतना काम में कर देंगे, जो कि रियलिटी वो होगा नहीं, उतना पैसा में वो काम कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो है कम से कम पैसा में वो क्वेट कर देता है ताकि उसी को टेंडर जो है मिल जाए। तो उस कंडीशंस में भी जो है क्या किया जाता है, टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के कारण जो वीडर्स होते हैं उसके पास सफिशियंट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होता है, या वीक होता है फाइनेंशियल हिस्ट्री उसका, तो उस कंडीशंस में भी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब जब वीडर्स होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्टर होता है जब टेंडर फिल कर रहा होता है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गंदा होता है, ख़राब होता है। भले वो कम पैसा में टेंडर ले रहा है, लेकिन उसका जो रेपुटेशन है, जो उसका फीडबैक है, वो ख़राब रहा है। तो उस कंडीशंस में है ना, उस कंडीशंस में क्या किया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद है आपका इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। इफ द वीडर डज नॉट हैव क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो टेंडर फाइल कर रहा है या जो वीडर्स है, वो अगर उसके पास जो भी स्टाफ्स हैं या जो सब कॉन्ट्रैक्टर और भी उसके साथ हैं, वो क्वालिफाइड हैं या नहीं, एक्सपीरियंस स्टाफ उसके पास है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अगर उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशंस में भी कम पैसा फील करने के बावजूद भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस टेंडर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे साइड शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। सबसे पहला है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज इन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो मैनेज करता है आपका सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल सच एज आपका कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कंजम्पशंस ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो लो इंटरेस्ट रेट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग बोरोइंग चीपर, लीडिंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशंस। राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड स्लो डाउन द इकोनॉमी। बाय स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कन्वर्जली हाई रेट्स ऑफ माइट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बाय स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो कर देता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो गया तो। वही फिस्कल पॉलिसीज की बात किया जाए तो गवर्नमेंट स्पेंड करता है एंड टैक्स पॉलिसीज, इसका एम होता है कि इन्फ्लुएंस किया जा सके आपका इकोनॉमिक कंडीशंस और पार्टिकुलर थ्रू मैनेजिंग एग्रीगेट डिमांड्स का। इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट होता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी जैसे ही इंक्रीज होता है गवर्नमेंट स्पेंड और टैक्सेस कट का, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो बूस्ट होता है, मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन स्लो डाउन ग्रोथ रेट टू प्रिवेंट ओवर
हीटिंग एंड रिड्यूस डिफिसिट इफ इकोनॉमी इज एट और नियर फुल कैपेसिटी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और कॉन्ट्रैक्शनरी जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो हेल्प करता है हमारा जो भी इन्फ्लेशंस है उसको रिड्यूस करने में बाय डिक्रीजिंग डिमांड। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज जो होता है वो इंक्रीज करता है पब्लिक डेप्थ को इफ फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग ओवर टाइम हाई लेवल ऑफ डेप्थ कैन लीड टू हाई इंटरेस्ट रेट एंड क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो है आपका जो भीड़ होता है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरा है आपका शॉर्ट नोट्स लिखना है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग में आपका कंप्यूटर्स का क्या यूज है तो कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजट बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना होता है जैसे आपका कॉस्ट एक्स प्लान स्विफ्ट एक्सेट्रा ताकि डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट तैयार किया जा सके। रियल टाइम प्रोजेक्ट डिटेल्स चेंज इंश्योरिंग मोर एक्यूरेट बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। इसके अलावा टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे ऑटोकैड बीआईएम सॉफ्टवेयर्स जिसकी मदद से जो मेजरमेंट रहता है वो प्रॉपर होता है ना डिजिटल प्लान्स के अकॉर्डिंग और ये हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन में मदद करता है। साथ ही साथ क्वांटिटी सर्वेयर जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को भी यूज करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में ताकि जो प्लान और शेड्यूल है टास्क का उस पर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। इसके अलावा ई टेंडरिंग प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करना सेंड करना रिसीव करना टेंडर डॉक्यूमेंट्स डिजिटली और स्ट्रीमलाइनिंग इन सभी केसेस के लिए भी जो है क्वांटिटी सर्वेयर को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्वांटिटी सर्वेयर यूज करता है सॉफ्टवेयर्स जैसे जनरेटिंग डिटेल रिपोर्ट सच एज कॉस्ट प्लान कॉस्ट फ्लो फोर कॉस्ट ये सभी के लिए। कंप्यूटर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड करस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिकली मेकिंग इट ईजियर टू रिट्राइव एंड मैनेज डाटा है ना मतलब प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है उस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना भी एक जो है प्रॉपर इम्पॉर्टेंस हो जाता है। तो उन तमाम पॉइंट्स को जो है यहाँ पे कंप्यूटर में ही स्टोर कर सकते हैं क्योंकि लार्ज फाइल तक हम लोग जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट को प्रॉपर लाइफ टाइम तक जो है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग उस पर तो निगरानी कर ही सकते हैं ज़्यादा फाइल भी स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उस डॉक्यूमेंट को हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं मतलब वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि राइट प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशन है ना कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जब स्पेसिफिकेशन लिख रहे होते हैं और स्पेसिफिकेशंस आपका बताना है फॉर आरसीसी वर्क 1:1.5:3 यानी M20 के लिए स्लैब का है तो उसका क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होता है स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए। तो पहला प्रिंसिपल्स होता है यूज क्लियर एंड अनएम्बिगस लैंग्वेज टू अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इंटरप्शंस। दूसरा अवॉइड टेक्निकल जॉर्जन्स यूज लेस नेसेसरी एंड इंश्योर डैट ऑल टर्म्स आर वेल डिफाइंड इंश्योर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मटेरियल्स मेथड स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस क्रिटेरिया मेंटेन कंसिस्टेंसी इन टर्मिनोलॉजी एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थ्रू डॉक्यूमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर एंड वेरीफाई कंप्रीहेंसिव स्ट्रेंथ थिकनेस एंड मिक्स रेशियो फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इंश्योर स्पेसिफिकेशंस कम्प्लाई विद ऑल रेलिवेंट लॉ रेगुलेशंस एंड बिल्डिंग कोड्स। प्रोवाइड करता है डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप एंड प्रोसेसेस का। स्पेसिफिकेशंस बात किया जाए आरसीसी वर्क फॉर मिक्स रेशियो 1:1.5:3 तो मिक्स रेशियो आपका है सीमेंट एक पार्ट सीमेंट है
सैंड जो है 1.5 पार्ट्स है, एग्रीगेट जो है 3 पार्ट है। मटेरियल कौन कौन सा है, तो सीमेंट जो है ओपीसी 43 या 53 ग्रेड, फाइन एग्रीगेट सैंड क्लीन वेल ग्रेड डेड एंड सैंड शुड बी सिल्ट फ्री, कोर्स एग्रीगेट नॉमिनल साइज 20 mm, शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट डर्ट या डिटेरियस मटेरियल। वाटर के बारे में बात किया जाए तो वाटर जो होता है क्लीन पोर्टेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज जैसे एसिड वायल अल्कलीज सॉल्ट्स एक्सेट्रा। वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाई वेट, स्टील शुड बी ग्रेड ऑफ FE 500 जो कि IS कोड 1786 में दिया गया है, और रस्ट या ऑयल या पेंट या ग्रीस फ्री आपका होना चाहिए। बेंडिंग बाइंडिंग एंड प्लेसिंग ऑफ स्टील एज पर IS 2502। फॉर्म वर्क शुड बी गुड क्वालिटी सीजन टिम्बर और स्टील प्लेट्स हम लोग लिखेंगे। लीक प्रूफ हमारा होना चाहिए ताकि सीमेंट स्लरी जो होता है उसका लॉसेज को प्रिवेंट किया जा सके। कंक्रीट मिक्स जो है बैच मिक्सर्स या ट्रांजिट मिक्सर्स में करेंगे ताकि यूनिफॉर्म कलर और कंसिस्टेंसी जो है अचीव किया जा सके। कंक्रीट जो होता है वो हमारा प्लेस किया जाता है विद इन 30 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग, ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले हम लोग जो है पूरा कर लें। कंक्रीट सेल भी कॉम्पैक्टेड यूजिंग नीडल वाइब्रेटर ताकि फुल कॉम्पैक्शन हमारा हो सके विदाउट सेग्रीगेशन। क्यूरिंग सेल भी स्टार्ट आफ्टर इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट, जो कि डिसेटरिंग हम लोग करते हैं कॉलम का या किसी भी स्ट्रक्चर का है ना, मेनली कॉलम और फुटिंग का, तो 24 आवर्स के बाद हम लोग जो है क्यूरिंग आराम से कर सकते हैं, और 7 दिन तक हमें क्यूरिंग करना होगा अगर हम लोग OPC यूज कर रहे हैं तो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तब। अगर हम लोग PCC सीमेंट अगर यूज कर रहे हैं, पोजलोना पोर्टलैंड सीमेंट, तो उस कंडीशन में 10 दिन तक क्यूरिंग हम लोग जो है करेंगे, यानी पानी से उसको जो है पटाते रहेंगे, क्यूरिंग करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड होता है हम लोगों का गनी बैग का यूज करके उस पर पानी छिड़क कर उसको जो है बना देते हैं, मतलब उस पर पानी का स्टोर मतलब सोख कर रखता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो, और हमारे ऐप पे देख रहे हैं तो, ऐप पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।